हेलो दोस्तों यार मतलब एग्ज़ाम पास में है। बस 2-3 दिन में एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। टुडे इज़ व्हाट, 8 अगस्त, तो 2 दिन के बाद में आपका एग्ज़ाम है। तो टेंशन लग रहा होगा, बहुत डर लग रहा होगा। गाइज यार, ये एक जेन्यून फीलिंग है, हर किसी को आती है। तो डर से डरना नहीं है, डर को दूर भगाना है। तो उसके लिए अब यार 2 दिन पूरा जी जान से पढ़ाई करिए। अब देखो, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, पेपर कैसे आएगा उसके बारे में मत सोचिए, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा उसके बारे में सोचिए। सिर्फ आज ये सोचिए कि मेरे पास जो टाइम है उसको मैं कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं, किस तरीके से मैं अच्छे से पढ़ाई करूं। मतलब आप आगे का सोच के टेंशन मत लीजिए, मेरा रिजल्ट निगेटिव आ गया तो अरे भाई, इंसान कब हारता है, जब वो खुद मान लेता है कि अब मेरे से होगा नहीं, ठीक है ना। अगर आप आज अपने आप को बैक करोगे कि नहीं, आई कैन डू इट, डेफिनेटली आई कैन एंड आई विल, मैं करूंगा, 100% मैं करूंगा, तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। तो गाइज यार, आज टाइम है, मतलब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, आज टाइम है पॉजिटिविटी का, आज टाइम है मेहनत करने का। ये जो 10 डेज आपकी जो एग्ज़ाम चलेगी, तो ये इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। कोई पेपर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, उसको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। यार साल भर मेहनत करिए ना, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मेहनत करी है तो रिजल्ट 100% आएगा। और 2 दिन में, जो 2 दिन बचे हुए हैं, उसमें अपने आपको बहुत एनर्जेटिक रखिए, बहुत पॉजिटिव रखिए। यार मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आजू बाजू में, आसपास में ज़्यादा बातें ना करें कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं होगा। ये एक नेगेटिविटी भर जाती है आपके दिमाग में। सो स्टे पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, बी रिस्पॉन्स, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए यार। सब कुछ बंद कर दीजिए कि 2-3 दिन जो भी बचे हुए हैं आपके, और आगे आने वाले 10 दिन। खासकर मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूँ यार, क्यों मैं आपको, मतलब एक छोटा सा किस्सा मैं आपको साथ शेयर करता हूँ कि मेरा फाइनल का पेपर था, प्रोफेशनल का पेपर था, एंड बिलीव मी हुआ यू, फर्स्ट पेपर कंपनी लॉ का था। हमारे टाइम पे दो दो सब्जेक्ट के ही ग्रुप होते थे, मतलब एक ग्रुप में 2 ही सब्जेक्ट होता था, ऐसे 4 ग्रुप होते थे। तो फर्स्ट ग्रुप में कंपनी लॉ एंड ड्राफ्टिंग 2 सब्जेक्ट थे। कंपनी लॉ में ना, मतलब मैं वॉच पहनना भूल गया था, एंड उसकी वजह से मतलब मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। जब लास्ट का बेल हुआ, 15 मिनट्स का बेल बजाना, तो उस टाइम पे मुझे लगा सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं, 2 आवर्स ही हुए हैं, और मेरा सिर्फ 60 मार्क्स का पेपर हुआ था, लेकिन एक्चुअल में बचे थे 15 मिनट सिर्फ, ठीक है। और कंप्लीट हो तो अच्छा था ही, आता था सब कुछ, फिर भी मैं लिख नहीं पाया। एंड पेपर होने के बाद मैं इतना रो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है कि यार मेरा पेपर बिगड़ गया, मेरा अटेम्प्ट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके बाद आफ्टर, मतलब मैं थोड़ा सा काम डाउन हुआ, खाना वीना खाया, खाना खा के थोड़ी देर सो गया, एंड देन उसके बाद मैंने सेकेंड पेपर का पढ़ाई स्टार्ट किया। अगर मैं गिव अप कर देता तो शायद से अटेम्प्ट लग जाता था, वो ग्रुप क्लियर नहीं हो पाता था, बट मैंने गिव अप नहीं किया। एंड सेकेंड डे ड्राफ्टिंग का पेपर था, मैंने कुछ 30-40 ड्राफ्ट मैंने ना लिख के निकाले, एंड जब रिजल्ट आया ना, आई स्कोर 47 इन कंपनी लॉ एंड 58 या 54 समथिंग इन आपका ड्राफ्टिंग, और कंबाइन दोनों कंबाइन करके मेरा ग्रुप निकल गया। तो बात समझिएगा यार, आज टाइम है पॉजिटिविटी का, आज टाइम है अपने आप को बैक करने का, अपने आप पे भरोसा करने का कि यस आई कैन डेफिनेटली डू इट, ठीक है। अगेन कुछ चीज़ें, पेपर 100% लिख के आना है, ये दिमाग में ठान के जाना, पेपर लिखना ही है 100%, 100% पेपर हमको कोशिश करने लिखने की, ठीक है। चलिए, बाकी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। विश यू ऑल द लक बेटा, बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल डरना नहीं है, पूरी शिद्दत से लगे जाओ। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। जो पुणे सेंटर में जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, हम लोग मिलने आएंगे, मतलब हम लोग ऑल द बेस्ट विश करने आपको पुणे सेंटर पे आएंगे, तो वहाँ पे ज़रूर मुलाकात होगी। कॉल विल करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग वहाँ आ जाएंगे, तो ज़रूर वहाँ पर मुलाकात होगी। एंड बाकी लोग यार पढ़िए, हमारे ब्लेसिंग्स, हमारा प्यार आपके साथ है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। लव यू गाइस, बाय बाय।